हमारे साथ जो प्रशासक है अधिकारी, उनसे समझेंगे कि कौन सा मैच खेला गया और इसमें कौन कौन से टीम जुड़े हैं। ये 63वीं सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का प्रमंडल स्तरीय आयोजन है जो कि आज दिनांक 2 जुलाई को यहाँ पे बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में प्रारंभ हुआ है, शुभारंभ हुआ है। हम बताना चाहेंगे कि ये प्रतियोगिता विभिन्न चरणों से होकर गुजरी है। सबसे पहले प्रखंड स्तर पर यह प्रतियोगिता हुई, पूरे राज्य स्तर पे, और प्रखंडों में यह प्रतियोगिता होने के बाद जो प्रखंड के विजेता टीम जो रहे वो जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया। जिला स्तर की प्रतियोगिता में जो टीम जीती, विनर हुई, उसके बाद प्रमंडल स्तर पर यह आयोजन हो रहा है। अभी जैसा कि आप कह रहे थे और बताना भी चाहूँगा कि ये दक्षिणी छोटलाकपुर प्रमंडल का ये मैच चल रहे हैं, टूर्नामेंट चल रहा है, प्रतियोगिता चल रही है। इस प्रमंडल में 5 जिले हैं, रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा और गुमला। तो 5 टीमें आई हुई हैं और ये 3 सवर्गों में हो रहा है, अंडर 15 बॉयज़, अंडर 17 बॉयज़ और अंडर 17 गर्ल्स, 3 सवर्गों में हो रहा है और चल रहा है। इसके बाद यहाँ की जो टीमें जीतेंगी, विजेता होंगे तीनों सवर्ग में, वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जो टीम विजयी होंगी वो राष्ट्रीय स्तर पर सुब्रतो कप फुटबॉल खेलेंगी जो कि इस मंथ के एंड में मे बी या फिर अगस्त में, सॉरी सितंबर में शुरू होगा। वो प्रतियोगिता दिल्ली और बैंगलोर में होती है। वो एक इंटरनेशनल प्रतियोगिता है जिसमें कि हमारे जो डिफरेंट स्कूल के जो विजेता टीम है राज्यों के वो खेलेंगे, साथ में स्टूडेंट में विदेश से भी टीमें आती हैं, उनके साथ भी वो मैचेस होते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि देश की टीम रहती है, साथ में इसमें विदेश की टीम भी रहती है, इसलिए से सुब्रतो कप इंटरनेशनल। दक्षिणी प्रमंडल में जो मैच खेला गया, अभी कौन कौन सा टीम खेला गया और अभी तक कौन कौन जीत हुई? अभी तक यहाँ पर 3 मैचेस हुए हैं। अभी जो मैच चल रहा था ये अंडर 17 बॉयज़ का था, इसमें रांची और सिमडेगा के बीच मैच था जिसमें कि रांची ने विजय प्राप्त किया। सबसे शुरुआत में अंडर 15 का जो मैच था वो रांची एंड लोहरदगा के बीच था जिसमें लोहरदगा ने जीत प्राप्त किया। गर्ल्स में, माफ़ कीजिए मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन गर्ल्स में भी एक मैच अंडर 17 का हुआ है जिसमें शायद लोहरदगा और खूंटी टीम थी, इसमें लोहरदगा की टीम ने जीत और जीतने हासिल करके अगले चरण में प्रवेश किया। अच्छा, आज का मैच का कौन कौन विजय रहे हैं अभी जो इससे पहले वाला मैच हुआ? हाँ, इसके पहले अभी अंडर 17 में रांची वर्सेस सिमडेगा था, इसमें रांची विजयी रहे। उसके पहले अंडर 17 गर्ल्स में खूंटी और लोहरदगा का मैच भी मैच था जिसमें लोहरदगा विजेता बनी, और फर्स्ट मैच जो अंडर 15 बॉयज़ था जो रांची एंड लोहरदगा के बीच में था उसमें लोहरदगा ने विजय हासिल किया और अगले चरण में प्रवेश किया। मैडम, आज किसके किसके बीच मैच खेला गया और आज कौन मैच विजय हुआ? अभी तो रांची और लोहरदगा, उसमें रांची विजेता टीम बनी है। ये नहीं, ये लोग काके कस्तूरबा की बैंड टीम है और ये लोग यहाँ पे मोरल बूस्टअप के लिए आए हुए हैं बच्चों के साथ, और जो हमारे गणमान्य अतिथि आए हुए थे उनके लिए लोग अपना मनोबल बढ़ाने के लिए अपना बैंड का प्रदर्शन कर रहे थे। और ये अच्छा, ये मैच का जो आयोजन हो रहा है कितना दिन तक चलेगा? ये 5 तक चलेगा, आज से शुरू हुआ है, 2 तारीख से 5 तक चलेगा। तो ये 5, चूँकि 5 जिला का है, प्रमंडल स्तरीय है, तो इसमें सबकी भागीदारी होती है। तो समय हम लोग थोड़ा एक ले के चलते हैं आगे कि कहीं से भी मौसम भी कुछ बाधा करे तो हम लोग काम को पूरा कर लें। सिमडेगा के बीच में 2-0 से जीते। तुम लोग 2-0? अच्छा, कहाँ से आए हो? हम लोग घाघरा से आए, बड़ा घाघरा। किसके बीच तुम लोग का मुकाबला हुआ था? सिमडेगा के बीच, हमारे सिमडेगा और रांची के बीच में मुकाबला हुआ था और उसमें हम लोग 2-0 से जीते थे। मतलब सिमडेगा कितना गोल मारा? सिमडेगा 0 गोल मारा, 2 गोल। अच्छा, इस मैच के आयोजन से तुम लोग कितना खुश होते हो? इस तरह का आयोजन कितना जरूरी है? यस सर, जरूरी है क्योंकि इससे हमें आगे जाने की इंडिया लेवल में खेलने में मौका मिल सकता है सुब्रतो कप से, इसीलिए। तुम लोग का आइडल, जो आदर्श फुटबॉल का जो प्लेयर कौन सा है जिसको तुम लोग देखना पसंद करते हो, उसके अनुरूप खेलते हो? सर सब बेस्ट, मतलब एक दो प्लेयर का नाम? नेमार, एम्बापे, रोनाल्डो। तुम लोग राज्य स्तरीय जो मैच 7 तारीख है, क्या उम्मीद लग रहा है तुम लोग के, प्रमंडल के टीम पहुंचोगे और बेहतर कर पाओगे? सर कोशिश तो करेंगे कि हम पहुंच पाए आगे तक, बस यही उम्मीद करेंगे, बाकी लोग का सपोर्ट मिल जाए और पहुंच जाए ऐसे भी करके। कैसा रहा मैच आज तुम लोग का?
थोड़ा अच्छा था, मतलब और पास हम लोग को बहुत खेलना चाहिए था, ज़्यादा पास खेलना चाहिए था लोग जिला के पास ब्लैक कार्ड था और सब एक टीम अच्छे वो हमारे अच्छे थे इसलिए अच्छा मैच हुआ हम लोग का। तो देखिए ये पे 5 तारीख तक चलेगी, बता दें कि 7 तारीख का से राज्य स्तरीय मैच का आयोजन होना है, उससे पहले जितने भी प्रमंडल है, दक्षिणी प्रमंडल और भी प्रमंडल सब का आयोजन खत्म होना है, उसके बाद 7 तारीख से राज्य स्तरीय मैच का आयोजन शुरू होगा। फिलहाल मुझे इजाजत अपने सहयोगी मिसलाल के साथ, यशवंत कुमार 99 न्यूज रांची।